आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय वर्ल्ड की लार्जेस्ट विश्व यूनिवर्सिटी है, जो अपने क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम के लिए दुनिया भर में देखा जाता है। और आप जानते हैं कि 35 लाख विद्यार्थियों के एक साथ सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर उनकी एजुकेशन नीड को पूरा करने में मदद कर रही है। आपने अपने किसी विषय विशेष को देख के एम कॉम प्रोग्राम में आपने जो प्रवेश लिया है, अब फॉर्चुनेट है कि वो प्रोग्राम जो है एक विशेष दौर में, जबकि कोविड-19 के बाद दुनिया के तौर तरीके बदल गए, मार्केट की स्टाइल बदल गई, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बदल गई, ऐसे तौर तरीके में उसे वर्ल्ड के लेवल पे रख के प्रोग्रामिंग फिर से रिवाइज करके प्रोग्राम को फिर से रिलॉन्च किया गया है। और एम कॉम प्रोग्राम आधुनिकतम बिजनेस की जरूरतों को जानकारी देने के लिए और आपको अपडेट करने के लिए बनाया गया। तो आई थिंक कि आपने काफ़ी अच्छे से उस प्रोग्राम को पढ़ना है और अपने सारे जो समस्याएं हैं उनका आपका निराकरण करते हुए अच्छे नंबरों से पास होना है। मित्रों, एक चीज मैं बता दूं कि आप परमानेंट तरीके की पढ़ाई से, आप डिस्टेंस एजुकेशन की पढ़ाई में आ रहे हैं, तो अभी आप जो रेगुलर कन्वेंशनल मोड में एजुकेशन करते थे, वहाँ टीचर स्पूनिंग होती थी, टीचर आपके क्लास में तय करता था कि आपको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ाया जाना है। उसके उलट अब डिस्टेंस एजुकेशन में आपको तय करना है कब कितना और कैसे पढ़ना है और उसको पढ़ के तब हम एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि इग्नू जो है बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटीज अपने विद्यार्थियों को देता है। तो कार्यक्रम मैं शुरू करने के पूर्व मैं अपने डायरेक्टर साहब से अपने विद्यार्थियों को उद्बोधन और आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर रघुवंत उपाध्याय जी के बच्चों को संबोधित। डॉक्टर त्रिपाठी जी सुन रहे हैं? हाँ सर सुनो। हेलो, हाँ सर, आपके संबोधन के लिए बुला रहे थे। अच्छा, चलिए मैं एक प्रेजेंटेशन के जरिए आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश पर्यंत आपको तमाम समस्याओं के लिए आपको जानकारी की जरूरत होती है कि हम कैसे अपनी कहाँ पे कौन सी समस्या कौन सी प्रकोप। इसके लिए आपको तमाम ऑनलाइन सपोर्ट्स जो है, ऑफलाइन सपोर्ट्स जो है, लर्नर सपोर्ट सेंटर से आपको क्या सपोर्ट्स मिलेंगे, बिजनेस सेंटर से क्या सपोर्ट्स मिलेंगे और आपके हेडक्वार्टर्स क्या सपोर्ट, इसकी एक स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इंडक्शन मीटिंग इसी बात को सेंसिटाइज करने के लिए आयोजित की जाती है कि आप कैसे आगे की अपनी पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला काम, जब आप प्रवेश लेते हैं, प्रवेश लेने के उपरांत आपको सबसे पहले ignoo.ac.in के पेज पर जाना चाहिए जिसपे आपने एडमिशन लिया है, और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट जोन में जाकर, जब आप क्लिक करते हैं सपोर्ट्स में जाकर, तो आपके सामने एक पेज खुल जाता है। मैं प्रेजेंटेशन के जरिए ही आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, आप लोगों को दिखने लगेगा तो आप सचेत कर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे पहले ignoo.ac.in के पेज पर जाना है, और इसको ignoo.ac.in पेज पे जब जाएंगे आप, तो ये आपका होम पेज खुल जाता है ऐसे। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टूडेंट जोन में जाना चाहिए, और यहाँ पे आप देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक कॉलम दिख रहा है, इसको क्लिक करें आप। यहाँ आपको जो ये योर एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल पोर्टल खुल जाता है, यहाँ पे आपको अपने इनरोलमेंट चेक करना है। मेरे पास एक आपके साथियों में से एक इनरोलमेंट है, श्रेया कुमारी का, 22-50-15-20-42, और श्रेया कुमारी एम कॉम
प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हुई हैं, और ये जो प्रोग्राम डालने के बाद आप वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे इंटर करते हैं और सबमिट करते हैं, तो आपके सामने ये पेज श्रेया कुमारी का स्कॉलर रजिस्टर खुल के आता है। क्योंकि इग्नू में सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो पहले अपना डिटेल्स चेक करें, यहाँ नाम सही है, इनरोलमेंट नंबर सही है, आपके 22 सेशन में एडमिशन हुआ, 26 तक वैलिडिटी है, स्टैंडर्ड वैलिडिटी भी मिलती है, 2 साल के प्रोग्राम को 4 साल की वैलिडिटी दी गई है मास्टर प्रोग्राम को, और शीतला प्रसाद पिताजी का नाम है, इनके पर्सनल डिटेल्स है, इन्होंने आर्य महिला पीजी कॉलेज पे एडमिशन लिया है। आपकी किन किन कार्यक्रमों के लिए किन किन पेपर्स के लिए रजिस्ट्रेशन हो यहाँ दिखाएंगे, एक बात मैं बता दूँ, जैसे आप पेपर्स कहते थे अभी तक उसको कोर्स कहा जाता है इन्होंने, और जैसे आप कोर्स कहते थे उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो आपकी ये पेपर्स हैं जो आप जुलाई 2022 सत्र में प्रवेश लिए हैं, क्योंकि ये पेपर्स आपके सेमेस्टर वाइज होते हैं, अब ये अनुअल एडमिशन हुआ है लेकिन आपके पेपर सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो कुछ पेपर्स आपको MCO 1, MCO 21, MCO 22 और शायद MCO 6, ये पेपर्स आपको देने होंगे फर्स्ट ईयर में। आप ये डिटेल्स हो गया, जब आप परीक्षाएं देंगे तो आप अपने टर्म एंड रिजल्ट्स यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे जून 2019 के ऑनवर्ड लिखा है, आप जो है जून 2023 में एग्जाम देंगे 1 साल बाद, तो जो दो जून 2023 में ऑन लिस्ट पे हर स्टडी की के आप कर सकती है। स्टडी मटेरियल स्टेटस को चेक करेंगे, इस आइकन पे जाएंगे, और जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे आप, तो आपको एग्जाम देने के लिए जो प्रवेश पत्र है जिसे इग्नू में हॉल टिकट कहते हैं, वो आप डाउनलोड सेक्शन में यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, हॉल टिकट डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस आपको इस जगह पे दिया गया, असाइनमेंट सबमिट करते हैं, अभी हम और डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ 2 कॉलम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक टर्म असाइनमेंट पेपर और एक दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो टर्म असाइनमेंट पेपर्स जो है उनको आप देखने के लिए क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं आपके सामने असाइनमेंट सेक्शन खुल गया। मास्टर प्रोग्राम में आपको MCOM के बारे में MCOM का असाइनमेंट चेक करना है, तो आप यहाँ देख रहे हैं MA तमाम दिया है और MCOM ये है आपका। MCOM को आप क्लिक करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स यहाँ, सेकेंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो MCOM जो फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पेपर्स हैं, ये थोड़ा नेट की कनेक्टिविटी का इशू है तो डाउनलोड हो जाता है, ये देखें फर्स्ट सेमेस्टर के आपके पेपर्स डाउनलोड हो गए हैं, और आप लोग इन पेपर्स के हिसाब से अपने असाइनमेंट लिखे होंगे, असाइनमेंट लिख के सबमिट कर देंगे, नहीं लिखे हैं तो आप मार्च 23 में आप या मार्च 23 तक जमा कर सकते हैं कम एग्जामिनेशन के लिए। तो ये है आपके क्वेश्चन पेपर्स जो आप डिफरेंट पेपर्स के हैं, MCO 21 के हैं और MCO 5 के हैं, MCO 4 के हैं, MCO 1 के हैं, ये पेपर्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स हैं आपके, इनको आपके सामने लिखने हैं या लिख चुके होंगे आप। दूसरा मैं ये कह रहा था कि पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स जो आप डाउनलोड करते हैं, ये पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं दिसंबर 21 या जून 21, जून 22 तक के, अब मैं आपको जैसे दिसंबर 21 के क्वेश्चन पेपर जून 22 के आपको दिखाता हूँ, जो पिछला होंगे कि जून 22 के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो अभी पीछे एग्जाम हुआ था सितंबर अक्टूबर में, वो यहाँ पे अपलोड हैं, और तमाम विषय के लिए आपके यहाँ पे पेपर्स अपलोड हैं। तो आप जिस स्कूल में हैं, आप चूँकि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में हैं, तो आप स्कूल ऑफ मैनेजमेंट SOMS में जाएंगे, मैं फाइल करता हूँ, हेलो।
स्कूल ऑफ जर्मनी स्कूल ऑफ प्रोफेसर। हाँ, पहले ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी जिसको एमएस है, और यहाँ आप देखें तो तमाम प्रोग्राम्स दिए हैं, और इन प्रोग्राम्स में आपको मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एमबीए एमपी रिपोर्ट रिव्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट रिव्यू मास्टर ऑफ कॉमर्स इंक्लूडिंग आईबीए, ये है आपका प्रोग्राम्स, ये यहाँ पे आप देखें। तो हमारे पास तमाम पेपर्स थे, और उन पेपर्स में आप देखें मास्टर ऑफ कॉमर्स में MCO 4 का, अगर हम पेपर देखना चाहते हैं MCO 4 का जून 22 में कौन सा पेपर आया था, ये यहाँ पे खोल के सामने दिख रहा है आपके। इन पेपर्स के हिसाब से आप ऐसे हर टर्म एग्जामिनेशन के पेपर्स आपको यहाँ पे अपलोड है, और आप इनको देख के आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, ये कई बार कई सालों में रिपीट हुए होंगे, इनके हिसाब से प्रायोरिटी बना के आप अपनी तैयारी प्रवेश के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, हम आपके रजिस्ट्रेशन में मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब मैं चलता हूँ, दो तीन चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं आपको, ये आपने अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर लिया। दूसरा, एक मिनट मैं अभी आपके क्वेश्चंस लूंगा और तब आपको मैं डिटेल्स में जवाब दूंगा। मैं कुछ चीज़ें पहले आपको बता दूं कि जहां से आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ स्टूडेंट सेक्शन सेकंड पेज पे ही दिख रहा है। स्टूडेंट सेक्शन सेकंड में आप देख रहे हैं डेली शेड्यूल्स ऑफ वीडियो टेलीकास्ट फॉर स्वयंप्रभा चैनल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्वयंप्रभा चैनल द्वारा जो है आपके तमाम प्रोग्राम्स का टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंसलिंग सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। तो आप इसमें आप देखें कि चैनल नंबर 19 जो है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रिसर्च में से प्रोग्राम्स स्कूल आपको चैनल नंबर 19 पे प्रसारित हो रहे हैं। आप इनके बारे में कब आपके पेपर्स का प्रसारण हो रहा है आप शेड्यूल को यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, और स्वयंप्रभा चैनल के ये चैनल है, चैनल नंबर 19 की शेड्यूल्स है, और ये शेड्यूल्स में आप देख रहे हैं तमाम प्रोग्राम्स हैं। तो आपके भी ये लाव वगैरह के अलावा जो आपके प्रोग्राम्स होंगे, जो आपके पेपर्स होंगे, वो यहाँ पे होंगे, और आप इनको इसी से सर्च करके आप नेक्स्ट करके प्रीवियस करके आप दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पे उसके प्रोग्राम जो टाइटल है, जो प्रोफेसर भाग ले रहे हैं, 24 तारीख को कितने बजे लेंगे और कौन से टाइम पे लेंगे, टाइम देके यहाँ पे सारा डाला गया। तो आप लोग इसके हिसाब से अपने प्रोग्राम के हिसाब से आप इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑडियो रिसोर्सेज, अगर आप नहीं सुन पाए इसको तो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है वो यहाँ अपलोडेड है, और वीडियो रिकॉर्डिंग UMPSC से यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। दूसरा, ज्ञान दर्शन TV चैनल आपके चैनल पे हमेशा आता रहता है, उसमें भी आपके एमकॉम से संबंधित प्रोग्राम्स के बारे में प्रसारण होगा, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक खास बात ये है कि काउंसलिंग सपोर्ट्स के बारे में इंदिरा हमारे जो इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट है, तो इग्नू हेडक्वार्टर की वेबसाइट हुई, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की भी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को हम लोग प्रतिदिन अपडेट करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। और आप ये देखें, आप सब लोग इसको इस वेबसाइट पे अवश्य जाएं, हफ्ते में 10 दिन में एक बार जरूर जाएं। यहाँ पे जो हम काउंसलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग कराते हैं तमाम प्रोग्राम के, उनके डिटेल्स हम मंथ वाइज यहाँ पे अपडेटेड हैं। देखिए कि नवंबर 2022 में इतने काउंसलिंग सेशंस आयोजित किए हैं, इसमें आपके MBA प्रोग्राम के लिए भी काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है 14 नवंबर से, और
और इसी तरह से हम काम के लिए जब भी हम कोई काउंसलिंग वगैरह करेंगे आपके स्टडी सेंटर के जरिए या ऑनलाइन करेंगे गूगल मीट के जरिए, यहाँ अपलोड कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं जो हर महीने में जो एक्टिविटीज हमारी होती हैं वो आप यहाँ से देख के घर बैठे इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप कैसे काउंसलिंग करेंगे। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण जो इशू था मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इग्नोर इंडिया सेंटर वाराणसी का एक फेसबुक पेज है। इस फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं रोज का रोज जो है हम अपडेट लाइव टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन 23/11 पे कौन से स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी से टाइटल ऑफ प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के गांव की कुआं की कहानी की प्रश्निका, ऐसे जो भी ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे प्रोग्राम आने रहे रोज का रोज हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं और आप इसको भी देख के अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी लोग बहुत फैमिलियर हैं किसी प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करने के लिए, आप सब लोग मैच्योर हैं तो आप जरूर हमारे इग्नोर रीजनल सेंटर वाराणसी के इस पेज पे भी ज्वाइन करें। दूसरा जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि इग्नोर रीजनल सेंटर वाराणसी के साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पे तो इस फेसबुक पेज पे हम हर एक्टिविटीज को डालते रहते हैं। हम इसकी जो आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे शेयर कर देते हैं, जो नहीं सुन पाते वो इस पेज के जरिए या यूट्यूब चैनल के जरिए आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए बीएससी प्रोग्राम के जो प्रैक्टिकल शेड्यूल्स हैं वो हमने यहाँ पे डाल रखा है, जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं वो विद्यार्थी यहाँ से देख के प्रैक्टिकल में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से एम कॉम से संबंधित भी जानकारी हम यहाँ पे डालते रहते हैं और ये पेज डे वाइज हम अपडेट करते हैं, इसलिए आपको इस फेसबुक पेज पे विजिट करना हफ्ते में 2-3 बार जरूरी है जिससे आप अपडेट रहेंगे अपनी जानकारियों को। दूसरा जो है यूट्यूब चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये भी बड़ा उपयोगी है क्योंकि काउंसलिंग की रिकॉर्डिंग्स और उनके सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, जिसे आप बाद में भी जब अगर आप लाइव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो बाद में भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या बताया। जैसे इंडक्शन मीटिंग में कौन कौन से कार्यक्रम हुए, इंडक्शन मीटिंग के सारे प्रोग्राम्स के बारे में हमने यहाँ पे अपडेट कर रखा है। इंडक्शन मीटिंग से आप देख रहे हैं जिन प्रोग्राम से मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जो भी हैं ये हमने यहाँ पे अपडेट कर रखा है, तो आप इसके जरिए भी यूट्यूब चैनल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी। दूसरा, कुछ लोगों की स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच पाते हैं या ऑनलाइन उन्होंने ले रखा है ऑप्ट कर रखा है, तो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ऑप्ट करने वाले या विद्यार्थी जिनके स्टडी मटेरियल अभी प्राप्त नहीं हुए वो यहाँ से सेल्फ लर्निंग मटेरियल से इनकॉम मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, सर्च में इनकॉम डाउन देना है और आप जब भी इसे क्लिक करेंगे तो सीधे आपको एम कॉम प्रोग्राम पर ले जाएगा। और आप देखें ये फॉर्म MCO3 जाके अपने मटेरियल्स को डाउनलोड भी कर सकते। अभी आज दिख रहा है, मैं अभी हमारे डायरेक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको थोड़ा बताएंगे।
और इस तरह से आप यहाँ से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो आपको करना है। आपका प्रोग्राम जो है ईयरली है और ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन इसका आपको जो प्रोसेसिंग है वो ईयरली है। इसके लिए आपको फीस जो है ईयरली री रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आपका जो दूसरा री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर में प्रवेश होगा उसके लिए आप रजिस्टर ऑनलाइन पे जाएंगे और री रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। इस री रजिस्ट्रेशन के कॉलम पे जाके आप अपना री रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। री रजिस्ट्रेशन आपको, अभी आपने जुलाई 2022 सत्र में एडमिशन लिया है तो जुलाई 2023 सत्र में आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है। जून 23 के आसपास हमारी ये लिंक खुल जाएंगे और जून 23 के आसपास आप री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कम्प्लीट कर लें। अगर आप समय से री रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको एक सेमेस्टर लेट होने का डर रहता है। तो सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन आप सब लोग इन टाइम करा लें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं कंप्लीट करता हूँ और अपना प्रेजेंटेशन मैं आपको यहीं समाप्त करके अब डायरेक्टर साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि सर वो हम हाँ क्लास वो क्वेश्चन सेशन के लिए बच्चों को धन्यवाद डॉक्टर पांडे। अब जिन भी स्टूडेंट्स को सवाल पूछने हो एक एक करके हैंड रेज कर दें अपना। जैसे कृपालिनी गुप्ता ने हैंड रेज किया हुआ है, कोई सवाल है तो आप पूछ लें। अपने प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। अब हमारे साथ अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ लें आप। कार्तिकेय द्विवेदी, सेमेस्टर का असाइनमेंट इसी जब भी आपकी आएगा आवाज तब हम क्लियर नहीं कंप्लीट है, आपका करेंगे। नेटवर्क शायद प्रॉपर नहीं है, फिर से पूछ लीजिए जरा। सारे सेमेस्टर का हमें असाइनमेंट एक साथ सबमिट करना है। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जी का नहीं, असाइनमेंट आपको एक साथ सबमिट करना है इसी सेशन में। हर सेमेस्टर के अलग अलग असाइनमेंट्स आपको उस सेमेस्टर के एग्जाम से पहले सबमिट करना है। जैसे अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट सबमिट करना है, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। इन केस आप फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट अभी नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, जो अगला एग्जाम जून में होगा, उसके पहले आप मार्च में जमा कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। कार्तिकेय द्विवेदी, हाँ सर, ये पूछना था कि एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कहाँ से मिलेगा? एडमिट कार्ड जो है आपका वो 25 तारीख लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म सबमिट करने की, तो उसके तीन एग्जाम फॉर्म चार दिन सबमिट बाद 28th या 29th को जी इग्नू की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड, इग्नू की मेन वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का लिंक आ जाएगा, तो आप वहां से सर, डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे असाइनमेंट्स हमने सबमिट किए थे पर वो ऑनलाइन उसके रिजल्ट नहीं शो हो रहे हैं अभी, तो अभी नहीं शो ओके होंगे, अभी असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट ही अभी ओवर नहीं हुई है, तो स्टूडेंट्स की सर। फैसिलिटी के लिए असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 30 नवंबर कर दी गई है। उसके बाद वो ओके इवेल्युएशन में जाएंगे और इवेल्युएशन में जाके और मार्क्स आ के अपलोड होने में वो टाइम लगता है। वो इवेल्युएटर के पास जाते हैं असाइनमेंट्स, वो इवेल्युएट करते हैं सभी असाइनमेंट्स और मार्क्स स्टडी सेंटर को भेजते हैं, स्टडी सेंटर वो मार्क्स हमें भेजता है, फिर हम उसको अपलोड करते थैंक यू हैं। सर। और वो फिर ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट होता है। इट टेक्स अराउंड 2 मंथ्स, तो आप जनवरी फरवरी में आपके असाइनमेंट मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ, एग्जाम रिजल्ट के साथ अपलोड करते हैं। थैंक यू सर। प्रिया भाटिया यस सर। जी, सो सर, मेरा डाउट ये है कि जैसे जो हमारा एमकॉम का कोर्स है उसके लिए हमें 4 साल प्रोवाइड किए गए हैं, अगर हम उसे 2 साल में अपना कंप्लीट कर लेते हैं रेगुलर एग्जाम्स देके, तो हमें 2 साल के एंड में हमें डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी एमकॉम के, या वो 4 साल के बाद? नहीं, जब भी आप कंप्लीट करेंगे, जिस समय आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा
उसके एक महीने के अंदर आपको मार्कशीट और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके घर पे बाय पोस्ट भेज दिया जाता है। जब भी चारों सेमेस्टर आप क्लियर कर लेंगे जिस भी एग्जाम सेशन में, वो दो साल में कर लेते हैं तो 2 साल, नहीं तो 2.5 साल में करते हो तो ढाई, जब भी आपका फाइनल सारे पेपर्स क्लियर हो जाते हैं तो उसके एक महीने के भीतर मार्कशीट आपके घर पे भेज दी जाती है, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे हेडक्वार्टर पर। वो जो 4 ईयर का टाइम दिया गया है वो इनकेस की आपका एडमिशन वैलिड रहता है 4 ईयर्स तक, आपने अभी एडमिशन लिया है और सब्सिक्वेंटली आप सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले लेते हैं तो ये आपका पूरा एडमिशन 4 साल तक वैलिड रहता है। इनकेस अगर आप 2 साल में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो बाकी के एक्सटेंडेड 6-6 महीने पे जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आप एग्जाम दे करके उसको पास कर सकते हैं। सर जैसे दोनों सेमेस्टर के एग्जाम सर साथ में भी दे सकते हैं क्या? जी हाँ, आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम मान लीजिए किन्हीं कारणों से आप नहीं दे पाए या 2 ही पेपर दे पाए, 4 पेपर दे पाए, तो बाकी के पेपर आप सेकंड सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। सर अभी हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिसंबर में होगा ना? जी एग्जाम फॉर्म भरा है? नहीं सर अभी एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी एग्जाम फॉर्म भर के असाइनमेंट सबमिट करके अभी दिसंबर में एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं ना? अभी तो लेट फीस के साथ डेट है और आपको भरने की जरूरत नहीं, आप जून 23 में अपीयर हो सकती है अभी, क्योंकि तो आप हड़बड़े में कर नहीं पाएंगे ठीक है, असाइनमेंट भी लिखना है, आप जून मार्च 23 तक असाइनमेंट जमा कीजिए और जून 23 के टर्म एंड एग्जामिनेशन को फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन देखिए आपकी ज़्यादा अच्छा होगा। रिया भाटिया, यास्वी अग्रवाल, यस सर, गुड इवनिंग सर। यास्वी प्रश्न रखो अपना, क्या क्वेरी है आपकी? आपके बुक्स एक साथ आएंगे? बुक्स कुछ मिल गई होंगी? यस सर, फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स मिल गई हैं लेकिन अभी सेकंड सेमेस्टर की नहीं मिली हैं, तो वो बाद में आएंगी या अभी मिल जाएंगी? वो आएंगी, फर्स्ट सेमेस्टर की बुक मिल गई, आप तैयारी शुरू करो अपने असाइनमेंट वगैरह लिखो और फिर जब आपके ये पूरे हो जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर की बुक आपके समक्ष आपके घर आ जाएगी ठीक है? ओके सर, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सभी की बुक समय से आपके घर की पते पे आ रही है और उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर एक और क्वेश्चन है, सर मुझे एग्जाम नेक्स्ट ईयर देना है जून में, तो सर फर्स्ट सेमेस्टर का जो असाइनमेंट होगा वो जो अभी मेंशन है पेज पे, मतलब पोर्टल पे जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का शो कर रहा है वही वाला होगा ना उस टाइम भी? हाँ, वही होगा, अभी वही दोनों सेमेस्टर के लिए वही वाला। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आयुषी सिन्हा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी क्वेरी ये है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम है वो हमारा कब तक कंडक्ट हो सकता है? फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है? आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी तक आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स को अटेंड कर सकती है, यानी कि 2026 तक आपकी वैलिडिटी है एडमिशन वैलिडिटी तो कोई भी विद्यार्थी, लेकिन चूंकि आपने एडमिशन प्रोसीजर ही लेट रहा और आपने अभी असाइनमेंट्स वगैरह नहीं जमा किए होंगे तो ये सजेशन है कि आप जून 23 में एग्जाम में क्लियर होंगे और जून 23 से पहले मार्च में आप अपने असाइनमेंट लिख के जमा करें। सर एक्चुअली मैंने जुलाई 2022 में ही मैंने अपना एनरोलमेंट करवाया है सर इसका। हाँ। और सर फर्स्ट सेमेस्टर आई गेस दिसंबर से शुरू होंगे, दिसंबर में आपको एग्जाम में अपीयर होने की एलिजिबिलिटी बन जाती है। जी सर, तो उसमें अपीयर हो सकते हैं लेकिन इसके लिए प्रोसीजर है कि एग्जाम फॉर्म भरिए, एग्जाम फॉर्म आप भर पाए होंगे अभी
जी सर, सर भरना है एग्जाम फॉर्म, अभी हमें फिल करना है। एग्जाम फॉर्म? तो सर दिसंबर, हाँ बोलिए। हाँ सर, तो सर मेरी क्वेरी ये है कि दिसंबर में मतलब हम लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो जाएंगे सर दिसंबर में? दिसंबर में शुरू होने वाले हैं। दिसंबर के जो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के होंगे उसमें अपीयर होने के लिए आप एलिजिबल हैं। अब जनवरी 22 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, अगर उन्होंने जून 22 में एग्जाम नहीं दिया तो एलिजिबल है दिसंबर 22 में भी एग्जाम देने के लिए। वैसे ही आपने जुलाई 22 में अगर एडमिशन लिया है तो आप दिसंबर 22 में एग्जाम दे सकती थी फर्स्ट सेमेस्टर का। अभी आपने दिया नहीं है तो आप जून 22 में भी, जून 23 में भी दे देंगे, आपको तो कोई बुराई नहीं है, समझ गए? ठीक जी सर, जी सर, थैंक है। यू सर, जी सर। तो हमें लगता है प्रश्न सेशन सर पूरा हो गया, क्योंकि अब कोई और क्वेरीज दिख नहीं रही हैं। तो डायरेक्टर साहब की अनुमति से मैं चाहूंगा कि वो दिशा निर्देश करें। एक्सक्यूज मी सर, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर री रजिस्ट्रेशन सेकेंड सेमेस्टर के लिए नहीं करना होगा? रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपने फीस अनुमति जमा किया है, 9,000 रुपये फीस जमा किया है आपने, तो वो दोनों सेमेस्टर का है। फिर आपको जुलाई 23 में आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फीस एक साथ जमा ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। करना है। सर हेलो सर, दिस इज जूही स्पीकिंग। हेलो हाँ सर, मेरा भी बोलिए। क्वेरी था। जी सर, मेरा ये क्वेरी था, एक्चुअली मेरा 2017 में एक वन टाइम एनरोलमेंट हुआ था एमकॉम में, बट ड्यू टू सम रीजन मैं उसमें सारे पेपर क्लियर तो कर गई, एक पेपर मेरा रह गया था, तो मेरी वैलिडिटी जो है एक्सपायर हो गई थी, तो 5 ईयर्स की। तो अभी मैंने वापस से रीएडमिशन लिया अपना जुलाई 22 सेशन में, तो मुझे इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर्स प्रोवाइड हो पाएंगे अपने 11 पेपर्स के लिए? अब देखिए, जो पुराना प्रोग्राम था वो तो वाइंड अप हो गया, आपने अपने नए प्रोग्राम में आपने एडमिशन ले लिया एमकॉम, ठीक जी है। अब इसके वो जी अनुअल बेस्ड प्रोग्राम था, ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। जो पेपर जी आपके अभी नए प्रोग्राम में एग्जिस्ट करते हैं, जो पेपर कोड एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी तो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन जी सर, उसी का प्रोसीजर जानना था, क्योंकि 15 में से 9 पेपर मेरे क्लैश कर रहे हैं। हाँ, तो जो पेपर नहीं मैच करेंगे वो पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा एमकॉम में। ठीक है सर, वो मैं पढ़ लूंगी, बट बाकी जो पेपर मेरे मैच कर रहे हैं उनका क्रेडिट ट्रांसफर कराने का क्या प्रोसीजर होगा? क्रेडिट ट्रांसफर के लिए एक फॉर्मेट होता है जो डाउनलोड सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकती हैं, जो फी जी है उसकी और उस फीस का डीडी बना के, साथ में जो पेपर्स लेफ्ट ओवर पेपर्स हैं नए के, उनका भी ऑप्ट करते हुए आप फॉर्म को जमा करेंगे, दिल्ली भेजेंगे, वहीं से क्रेडिट ट्रांसफर प्रोसीजर होता है। उसमें नो रीजनल सेंटर वारंसी का रोल नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट स्टूडेंट के हाथ से वही जाता है फीस सही। क्योंकि सर अभी 6 महीने पहले जब मेरी उनसे बात हुई थी दिल्ली में, तो वो कह रहे थे कि अभी होल्ड पे है ये पूरा इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर का प्रोसीजर, तो ये वापस से स्टार्ट हुआ है या नहीं, मेरी ये क्वेरी है। अभी तो ये हमें नहीं पता है, ये जहाँ से आपने पूछा था वहीं से आप फिर से बात करेंगे उससे। मैं सर, ओके सर, मेरे जो समझ में आया सही है क्या, कि जो एम कॉम की इक्विवेलेंसी होगी वो केवल मैच करते हुए पेपर्स के लिए होंगे, बाकी जो लेफ्ट ओवर पेपर्स होंगे नए प्रोग्राम के उनको पूरा करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, यही है, ये प्रोसीजर यही है। और मैं लिंक जो है वो चैट बॉक्स में पेस्ट कर दे रहा हूँ, जो इंटरनल करंट ट्रांसफर का जो लिंक है वो पुराना जी फॉर्म सर, वैसे पड़ा हुआ है, आप उसको देख जी लीजिए सर, एक बार, और एक बार क्वेरी ज़रूर कर लीजिएगा। जो ओके सर, लिंक है जहाँ ओके से सर, आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं वो लिख रखा ओके हुआ है, सर, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ सर प्लीज आप संबोधित। तो देखिए, ये आज इंडक्शन मीटिंग है, स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ,
हमने स्टडी सेंटर्स पे भी इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी और यही सारी बातें उनको बताई गई थी। सेल्फ मोटिवेशन का प्रोग्राम है डिस्टेंस एजुकेशन, आपको मोटिवेटेड रहना होगा और टाइम से आप अपने सारे एक्टिविटीज़ करते रहें, चाहे वो असाइनमेंट सबमिशन हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो या एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो। ये तीन एक्टिविटीज़ जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं आपकी, ये आपको अगले मार्च अप्रैल में ज़रूर करनी है, जिसमें से एग्ज़ाम फॉर्म तो आपको हर सेमेस्टर में भरना है, किसी कारणवश छूट जाते हैं तो अगले सेमेस्टर में, अगले जो दिसंबर और जून में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं हमारे, तो दिसंबर में आपका स्किप हुआ तो आप जून के लिए ज़रूर एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिएगा मार्च अप्रैल में। वही मार्च अप्रैल में आपको असाइनमेंट भी जमा करने होंगे जिन पेपर्स के छूटे हैं, या नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर के सारे असाइनमेंट जमा कर दीजिएगा। और सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आप एडमिशन ज़रूर ले लीजिएगा मार्च अप्रैल में। और ये एक्टिविटी अगर नहीं लेते हैं आप एडमिशन तो आपका सेशन लेट हो जाएगा, 2 साल के बजाय वो एक्सटेंड होकर के आप ज़्यादा टाइम लगेगा आपको अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने में। तो इसलिए मार्च अप्रैल में ये सारे काम आप ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं या वेबसाइट है उससे टच में रहिए, उस पर रेगुलर विजिट करते रहिए, जिससे कि आपको सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इन शब्दों के साथ धन्यवाद, आपने बहुत मतलब बच्चों की बहुत कम संख्या जुड़ी लेकिन उनकी क्वेरी रिपोर्टेड और हमें मजा आया आप सबके साथ अपना समय शेयर करते हुए। सारे विद्यार्थी एक बात और जान लें कि हर बुधवार, हर सेकंड बुधवार और फोर्थ बुधवार को हम ऑनलाइन रिवाज कैंप आयोजित करते हैं। अगर विद्यार्थियों को कोई समस्या है, हमसे बात करना चाहते हैं, तो ऐसे ऑनलाइन रिवाज कैंप में वो अपनी भागीदारी दे सकते हैं और वो उनके जरिए भी हमसे महीने के द्वितीय और चौथे बुधवार को संपर्क कर सकते हैं। हम गूगल मीट पे आपके साथ जुड़ते हैं, गूगल मीट का एड्रेस फेसबुक पेज पे अपडेटेड है, वहाँ से आप ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के पार्टिसिपेशन के लिए और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।